प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं हूं आचार्य चेस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं ब्रह्मांड के दो सबसे पावरफुल ग्रह सूर्यदेव। आज 15 अगस्त है और कल 16, यानी कल शाम को 7:06 पर राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी स्वराशि में मूत्र कोण में जाएंगे, जबरदस्त योग बनता है। ऑलरेडी बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण में चल रहे, धनु राशि के अंदर है। राजा और महामंत्री दोनों का नवपंचम योग कल से बन रहा है और ये नवपंचम योग जब बनता है तो तहलका मचा देता है। छोटा सा इजराइल 56 देशों में भारी पड़ जाता है। काश हमारा भारत देश भी इजराइल की तरह होता, हमारे भारत देश का हर व्यक्ति इजराइल और जापान जैसी भावना लेकर के पैदा होता तो इस देश में आनंद आता। तो मित्रों आज मैं आपको जानकारी दूंगा नवपंचम योग। नवपंचम योग क्या होता है इसका बता देता हूं। बृहस्पति से सूर्य 5वें स्थान पर है और सूर्य से बृहस्पति 9वें स्थान, ऐसे नवपंचम योग इसको बोल सकते हैं। इस योग के अंदर दोनों ग्रह राजा और महामंत्री एक दूसरे से पावरफुल स्थिति में होते हैं, यह कहा जा सकता है। यानी जहां बृहस्पति है वहां से सूर्य 9वें है और सूर्य जहां पर है वहां से बृहस्पति 5वें है, यह नवपंचम योग बनता है। तो इन दोनों का आपसी संबंध नवपंचम योग यानी एक दूसरे के लिए भाग्यशाली बनना, सूर्य बृहस्पति के लिए भाग्यशाली, बृहस्पति सूर्य के लिए भाग्यशाली, राजा होम मिनिस्टर के लिए, होम मिनिस्टर राजा के लिए, राजा महामंत्री के लिए, महामंत्री राजा के लिए भाग्यशाली बनता है। तो ये दोनों राशियां कौन कौन से भावों में आएंगी उन भावों से संबंधित आपको जबरदस्त लाभ यहां पर मिलने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी 5 सबसे भाग्यशाली राशियां हैं जिसमें गुरु और सूर्य का अमोघ वरदान। अमोघ वरदान का मतलब होता है कि आपको अक्षय पात्र की तरह इन दोनों का वरदान मिलेगा। सूर्य सरकार का वरदान देगा, राजसत्ता का वरदान देगा, बृहस्पति ज्ञान का और राजसत्ता दोनों का आपको वरदान देगा। बृहस्पति 5 चीजें आपको देने वाला है, धन, एजुकेशन, संतान का सुख और भाग्य, कर्म और व्यापार, और लड़कियों के लिए शादी कराने वाला भी। और सूर्य जिन जिन भावों का स्वामी होगा उनको बहुत ऊंचाइयां देगा, अथाह ऊंचाइयां देता है। तो मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं उन 5 राशियों की। तो आपसे निवेदन एक ही करूंगा सिर्फ, जो मैं हमेशा ही करता हूं, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में दूसरे लोगों को भी बताइए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली राशि भाग्यशाली वो कौन सी है, वो है मेष। मेष राशि के 5वें भाव में सूर्य मूल त्रिकोण में है। सूर्य जिस भाव का स्वामी होता है उसको ऊंचाइयां देता है, हाई थॉट्स का है, राजा है, ग्रहों का राजा है। तो मेष राशि वाले अगर एजुकेशन की सोच रहे हैं तो उच्च एजुकेशन, बड़ी एजुकेशन, सरकारी कॉलेज मिलना, बड़े लोगों से संबंध और पुत्र की प्राप्ति। गर्भवती महिलाओं को थोड़ा कष्ट हो सकता है, गर्भपात का योग बन जाता है कि सूर्य जहां बैठता है उसको जला देता है, कमजोर कर देता है। इसी राशि के अंदर भाग्यस्थान पर बृहस्पति है केतु के साथ, भाग्योदय होना, धार्मिक यात्राएं होना, पिता का भाग्योदय होना, उसकी दृष्टि सूर्य के ऊपर है, स्वास्थ्य में सुधार आना, संतान के संतान, यानी आप अगर दादा बनने वाले हैं तो आपको पोते का सुख मिलेगा, पोती का सुख मिलेगा, और अगर आप पिता हैं तो आपके पिता उनका जबरदस्त भाग, 3 पीढ़ी तक जबरदस्त लाभ यहां पर मिलने वाला है। तो मेष राशि बहुत भाग्यशाली है, शुभकामनाएं आपके लिए कि आप ऊंचाइयों को छुएं और आपको इसका लाभ मिले। अगली राशि हमारे पास में है सिंह राशि है।
सिंह राशि का स्वामी सूर्य स्वयं बुध के साथ है, आ जाएगा, बुद्धादित्य राजयोग बनाएगा, एकदम ऊंचाइयों पर पहुंच जाना, एमएलए एमपी गवर्नर पर जाना। अब जब मैं बोलता हूं तो कछु लोग कटु भाषा इस्तेमाल करते हैं कि आप तो सबको गवर्नर बनाते हैं, सबको नहीं, अभी अचानक सिन्हा साहब गवर्नर बन गए, बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे लोग इधर से उधर जाते हैं, उनकी कुंडली में से योग बनते हैं, अचानक उनको ऊंचाइयां मिल जाती हैं। संतान का सुख एजुकेशन मिलना, मान सम्मान प्राप्त होना, बड़े धार्मिक लोगों की संगति प्राप्त होना, ऐसा योग बनेगा। तो आप भी बहुत भाग्यशाली हैं, इस नवपंचम योग के अंदर बहुत ही शानदार योग बनता है। अगली राशि हमारे पास धनु। धनु राशि के अंदर आपके भाग्य का स्वामी सूर्य है। सूर्य जब भाग्य उदय करता है तो राज सत्ता पे बैठा देता है। आपके आप बच्चे हैं तो आपके पिता का भाग्य उदय, और आप दादा हैं तो आपके पोते का भाग्य उदय, जबरदस्त योग बनता है। और यहां से आपकी राशि के अंदर बृहस्पति विराजमान है, और बृहस्पति तो यहां से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और भाग्यस्थान पर दृष्टि, एजुकेशन, संतान सुख, शादी कराना और भाग्य उदय करना, बहुत ही शानदार योग बनता है, बहुत भाग्यशाली योग बनता है। अगली राशि है नवपंचम योग में वृश्चिक। सूर्य दशम में बैठा हुआ है आपका, बुध के साथ बुद्धादित्य राजयोग, और साथ में सूर्य दिशाबल लेकर के बैठा है स्वराशि मूल त्रिकोण में। सरकार के अंदर बड़े बड़े टेंडर मिलना, सरकारी नौकरी मिलना, सरकार में प्रमोशन होना, बड़ी प्राप्ति होना, ऐसे योग बनेंगे, और रुका हुआ पैसा भी वापस आएगा। एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, परिवार का सुख प्राप्त होना, और आपके वे ऑफ टॉकिंग के दम पर आपको अवार्ड मिलना, ऐसे योग भी बनेंगे, अथा धन की प्राप्ति आपको मिलती है, इसलिए आप भी बहुत भाग्यशाली यहां पर बनते हैं। अगली राशि हमारे पास आती है कुंभ। विवाह स्थान पर सूर्य शादी कराएगा, ऊंचे घर की लड़की देगी, मिलेगी, और लड़की है तो ऊंचे घर का लड़का मिलेगा। धन और लाभ की अथा वृद्धि, अमोघ वरदान, यहां बृहस्पति का अमोघ वरदान शादी के लिए, धन के लिए, व्यापार के लिए और संतान सुख के लिए, शानदार जबरदस्त योग यहां पर बनेगा। यानी ये योग भी आपके लिए बहुत ही पावरफुल बनता है। यहां पर आपके विवाह स्थान पर सूर्य स्वराशि में, जैसी पत्नी चाहिए वैसी मिलेगी, या जैसा पति चाहिए वैसा ही लड़का मिलेगा ऊंचे खानदान का। पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, रुका हुआ पैसा वापस आने वाला है, व्यापार में अथा वृद्धि होने का योग। और अगर आप विदेश ट्राई कर रहे हैं तो ये नवपंचम योग आपको विदेश भेजने के लिए भी तैयार है, और बाहर से भी आपको जबरदस्त लाभ मिलने का इसमें योग बनेगा। तो ये थी पांच सबसे भाग्यशाली राशियां जिनको देवगुरु बृहस्पति, ग्रहों के राजा सूर्य, इनका अमोघ वरदान। अब इस पीरियड में आपको क्या करें, इस पीरियड में आपको तुरंत अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं अगर मुहूर्त अच्छा है तो, और साथ में थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपको भारी सफलताओं के योग मिलते हैं। यहां माणिक और पुखराज दोनों पहन सकते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगले एपिसोड में नई जानकारी लेकर के फिर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।